मेगा लेटियोस एंड मेगा लेट, ये दोनों पोकेमॉन हमें मिल रहा है अभी पोकेमॉन गो में। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो बहुत लोगों ने रेट किया है एंड गाइज ये शाइनी मिलने का चांस भी बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को फर्स्ट रेट में ही शाइनी मिल गया है। तो गाइज अभी एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो आप लोग रेट कर रहे हो शाइनी को गेट कर रहे हो, बट गाइज क्या आपको बूस्टेड सीपी चाहिए जिससे आप एक मेगा लेटियोस को 25 लेवल से 50 लेवल तक बहुत ही आसानी से लेके जा सकते हो। तो गाइज आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कुछ वेदर के बारे में एंड कुछ पोकेमॉन्स जिसको आपको रेड में लेके जाना है। तो हेलो फैमिली, कैसे हो, स्वागत है पोकेचियो के एक नए वीडियो में। तो चलो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये जो मेगा लेटियोस एंड जो मेगा लेटियस है वो टाइप क्या है पोकेमॉन का, वो एक ड्रैगन एंड साइकिक टाइप पोकेमॉन है। तो गाइस आज मैं आपको बूस्टेड सीपी के बारे में बताऊंगा, नॉर्मल जो आपको कैच सीपी मिलेगा वो नहीं बताऊंगा। आज मेन जो टॉपिक है आपको बूस्टेड सीपी गेट करना है एंड बूस्टेड सीपी में आपको डायरेक्टली लेवल 25 मिल जाएगा। तो गाइस एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो हर एक पोकेमॉन गो का इंफॉर्मेशन आपको यही चैनल में मिल जाएगा। सो गाइस अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर दो एंड ये वीडियो में लाइक कर देना मेरे भाई। सीनो टूर के ऊपर एक खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाला है बहुत ही जल्दी, जिससे आप जो ओरिजिन फॉर्म ऑफ दियाल्गा एंड पालकिया है उसको गारंटेड कैच कर सकते हो। वो वीडियो देखने के लिए ये वीडियो का लाइक होने वाला है 300 लाइक। आप लोग सिर्फ ये 300 लाइक कंप्लीट कर दो एंड हर एक बंदे लाइक कर दो। ओके गाइस अभी हम लोग बात करते हैं, ये जो दोनों पोकेमॉन है अगर आपको वेदर बूस्टेड कैच करना है तो आपको जाना है विंडी वेदर में। एंड गाइस पोकेमॉन गो में सबसे जो कॉमन वेदर है वो है विंडी वेदर, मतलब आपको ये विंडी वेदर मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से विंडी वेदर मिल जाता है। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं मेगा लेटियोस से। अगर आप विंडी वेदर में जाओगे तो आपको वहां पर कितना सीपी मिलेगा मेगा लेटियोस का, एंड देखो लेवल तो आपको 25 ही मिलेगा। सो अभी मैं सीपी बताता हूं, मेगा लेटियोस का सीपी होने वाला है 2613 से 2713 सीपी। ये दोनों सीपी के बीच में आपको मिलने वाला है, या तो अगर आपको मिनिमम मिला तो 2613 एंड अगर आपको मैक्सिमम मिला तो 2713। ठीक है, तो गाइस सेम टू सेम आपको विंडी वेदर में मेगा लेटियस का भी करना है एंड वहां पर भी आपको लेवल 25 ही मिलेगा, बट गाइस सीपी थोड़ा सा अलग होगा। बूस्टेड सीपी कितना होने वाला है अभी सुन लो, मिनिमम आपको मिलेगा 2402 एंड जो मैक्सिमम होगा वो होगा 2507। ये जो दो सीपी है उसके बीच में आपको मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो गाइस अभी हम लोग बात करते हैं, देखो आपको बूस्टेड सीपी पता चल चुका है अभी आप विंडी वेदर में जाओगे, बट गाइस ये पोकेमॉन को अगर आप अच्छे से डिफीट करना चाहते हो तो आपको सिंपली कुछ चीजों को फॉलो करना है। ये पोकेमॉन वो कौन सा टाइप है जिसके सामने वीक है वो मैं आपको बताऊंगा। वो टाइप्स में देखो आज मैं कोई भी पोकेमॉन आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो टाइप्स में आप कोई भी पोकेमॉन लेके जाओ। सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर वो टाइप में अगर आपके पास कोई लेजेंडरी पोकेमॉन है उसको जरूर लेके जाना एंड हायर सीपी पोकेमॉन है तो उसको जरूर लेके जाना। तो गाइस अभी मैं आपको टाइप्स बताता हूं, बग टाइप, ड्रैगन टाइप, फेयरी टाइप, घोस्ट टाइप एंड आइस टाइप। ये पोकेमॉन्स आप लेके जाओ 100% आप अच्छे से ये जो रेड है इसको कंप्लीट कर पाओगे एंड शाइनी भी बहुत आसानी से मिल रहा है, तो हर एक बंदे ये रेड जरूर करना। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही था इंफॉर्मेशन, अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो में लाइक करना, लाइक इनको कंप्लीट करना क्योंकि सीनो टूर के ऊपर खतरनाक वीडियो आने वाला है एंड चैनल बना तो सब्सक्राइब कर देना वो वीडियो देखने के लिए एंड बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसमें प्रेस करके रख देना। ठीक है, तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।